आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ छोलिया और पनीर की, बिल्कुल देसी स्टाइल में, और बहुत इजी तरीका है इसको बनाने का। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये बन के रेडी है हमारी सब्जी। तो चलो मैं आपके साथ आज अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो आज मैं बनाने वाली हूँ हरे चने, जिसको हम छोलिया भी बोलते हैं। तो आज मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में और बिल्कुल इजी तरीका मैं आज बताने वाली हूँ आपको छोलिया बनाने का। तो मैं छोलिया पनीर के साथ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने एक कटोरी ले ली है मैंने चना, हरा चना जिसको हम छोलिया बोलते हैं। एक पाव मैंने यहाँ ले लिया है पनीर। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ ले लिए हैं 4 मैंने टमाटर ले लिए हैं, 3 मैंने यहाँ पे अनियन ले लिए हैं, और 5 से 6 कलियाँ मैंने यहाँ पे लहसुन की ले लिए हैं, और हरी मिर्च 5 से 6 ले लिए। इनका मैं एक साथ पेस्ट बना लूँगी और फिर उसको अच्छे से भून लूँगी। तो चलो मैं इसका बनाती हूँ पेस्ट और फिर मैं आपके साथ आगे की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया है। छोलिया को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है गर्म पानी में, और यहाँ मैंने बना ली है ग्रेवी। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ मैंने ले लिया कढ़ाई, उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल लिया है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑयल ले सकते हो। तो मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच के लगभग मैंने ऑयल लिया है। तो इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे खड़े मसाले ले लिए हैं जो मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल दूंगी 2 तेज़पत्ता, दालचीनी, एक बड़ा टुकड़ा लेके मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, और यहाँ मैं ले लूँगी एक स्टार है उसका एक छोटा सा पीस, और यहाँ मैंने काली मिर्च ले ली है। इनको हल्का रोस्ट होने दूंगी मैं ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। यहाँ डाल दूंगी मैं जीरा, 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ जीरा डाल दिया है। जीरा हमारा पक चुका है, अब मैं यहाँ डाल दूंगी हल्दी, और साथ ही डाल दूंगी यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच डाल दिया मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का। तो इसको अच्छे से मिला लूँगी, और साथ ही डाल दूंगी यहाँ पे मैंने जो ग्रेवी बनाई है, तो इसको मैं पका लूँगी। मैं यहाँ इसको मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट इसको पकाऊंगी, जब तक हमारी सब्जी से ऑयल रिलीज नहीं हो जाता इस मसाले से, तब तक मैं इसको पकाऊंगी। तो इसको मैं ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट रख दूंगी पकने के लिए। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रखना है, तो मैंने यह ढक्कन लगा दिया है, फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से पकने दूंगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा मसाला कितना पका। तो ये अभी अच्छे से पका नहीं है। अब मैं इसमें डाल दूंगी चने, जो मैंने यहाँ पे छोलिया लिया हुआ है वो डाल दूंगी, और इसको भी मैं पकने दूंगी इसके साथ ही, ताकि ये दोनों साथ साथ पक जाएं। और इसको मैं अब ढक के पका लूँगी। ये बहुत इजी है बनाना और बहुत अच्छे से ये बन के तैयार होता है। तो इसको अब मैं पकने दूंगी। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट यहाँ पकने दूंगी मीडियम फ्लेम पर। मसाला हमारा पक चुका है, देख सकते हैं आप, तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है मसाले से। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्पाइसेस। तो यहाँ पे ने हल्दी और लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च मैंने पहले ही डाल दिया था, तो यहाँ मैं धनिया पाउडर डाल दूंगी 2 छोटे चम्मच, जीरा पाउडर डाल दूंगी मैं 2 छोटे चम्मच, और 1/2 चम्मच डाल दूंगी यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर। मिर्च हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच डाल दूंगी यहाँ पे मैं नमक, नमक भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाला है। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में मैं और डाल लूँगी, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। इसको आप स्पाइसेस के साथ मैं 1 से 2 मिनट इसको पकाऊंगी ताकि इसके जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं मसाले में। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ डाल दूंगी मैं मैंने यहाँ हींग को मैंने पानी में घोल लिया है, तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच के लगभग मैं यहाँ हींग डाल दूंगी। यहाँ हींग को मैंने लिक्विड फॉर्म में डाला है, मैंने उसको पानी में अच्छे से घोल के फिर मैंने इसको डाला है यहाँ पे 1 चम्मच। और यहाँ आधा चम्मच डाल दूंगी मैं यहाँ काली मिर्च पाउडर। मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, अब मैं डाल दूंगी इसमें पानी। तो यहाँ पे 1 कप मैंने यहाँ पे गरम पानी कर लिया है, वो डाल दूंगी और इसको अच्छे से पका लूंगी। जब तक हमारे ये जो चने हैं, हरे चने हैं, ये पक न जाएं, मैं उसको तब तक पकाऊंगी मैं। तो इसको मैं ढक्कन लगा के मैं अब पका लूंगी। इसको 5 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख दूंगी ताकि हमारे जो चने हैं वो अच्छे से पक जाएं। ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप, चने हमारे बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये मैश हो जा रहे हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला 1 चम्मच। यहाँ डाल दूंगी पनीर। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसको उबाल आने तक पकाऊंगी बस मैं, और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। पनीर को मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, 1 उबाल आने तक पकाऊंगी ताकि ये जो हमारा मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए पनीर में। तो यहाँ ढक्कन लगा के मैं 1 से 2 मिनट इसको पकने दूंगी अच्छे से सिम गैस पे। सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल रेडी है ये पक के। अब मैं डाल दूंगी इसमें हरा धनिया। गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और यहाँ पे हरा धनिया डाल दूंगी मैं गार्निशिंग के लिए और करूंगी इसको गर्मा गर्म सर्व। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत इजी है फ्रेंड्स इसको बनाना, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें और मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलो अब मैं करती हूँ उसको डिश आउट। तो बिल्कुल रेडी है हमारी गर्मा गर्म पनीर छोलिया की सब्जी। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये बन के रेडी है और कितने अच्छे इसका कलर आया है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मैं इसको रोटी के साथ सर्व करूंगी। आप इसको रोटी के साथ, परांठे के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं तो चलो इसको कर रही हूँ गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सपोर्ट करने के लिए।